वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और हम कल बिस्मा की शॉपिंग करने के लिए गए थे। शॉपिंग करने गए थे ना, बता ना। कल बिस्मा के लिए शॉपिंग करने के लिए गए थे तो इसके हमने सिर्फ 3 ही ड्रेस लिए। एक ड्रेस हमने ऑनलाइन मंगवाया था मोबाइल पर एक ड्रेस मोबाइल पर मंगवाया था और 3 ड्रेस, कल सिर्फ 3 ड्रेस ही ले सके और कुछ भी नहीं ले सके। स्लीपर वगैरह कुछ भी नहीं ली क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। इतना रश था, धक्के लग रहे थे लोगों के, इतने ज़्यादा वहाँ लोग थे तो हम ज़्यादा शॉपिंग ही नहीं कर सके। तंग आकर जो है ना वो घर वापस आ गए कि अब किसी और दिन जाएंगे। सोचा तो यही था कि सारी शॉपिंग एक ही दिन में कर लेते हैं, लेकिन हो ही नहीं सकी। इतना वहाँ पे शदीद रश था और किसी शॉपकीपर से सही बात भी नहीं हो पा रही थी। तो इस वजह से हम लोगों ने बस ड्रेस ही लिए और फिर वापस आ गए। उस दिन जुरैन और ब्रान की भी जो है ना वो शॉपिंग करने के लिए गए, वहाँ पर भी यही सूरत हाल थी। वहाँ पर भी हमने उनके एक एक ही ड्रेस लिए और फिर वापस आ गए तंग आकर। इतना रश, इतनी लंबी लंबी लाइन्स थी और लोग टूटे हुए थे सारे शॉपिंग मॉल में। अभी बिस्मा के लिए स्लीपर वगैरह ज्वेलरी वगैरह लेनी है तो जाएंगे एक दो दिन में, फिर से जाएंगे। हाँ आज तो हम सैरी बाहर करने वाले हैं तो मम्मा मम्मा सैरी आज बाहर है। कह तो रहे हैं अगर आप लोगों को चल रहे हैं तो चलो। कहाँ जा रहे हैं? चलते हैं कहीं पे, पूछते हैं लड़कों से। अभी हम सैरी करने के लिए बाहर जाएंगे तो मम्मा, अभी मैं 9 बजे के घर जा रही हूँ, सही है? तो फिर जैसा भी प्रोग्राम बने फिर मुझे फ़ोन करके बता देना, ठीक है? फिर हम रेडी हो जाएंगे, फिर वहीं से ही डायरेक्ट चल जाएंगे। आप बता तो दिया है उनको ना, तारिक को भी बता दिया है, रोहित को भी बता दिया है, तो बस आप लोग वहीं से आ जाना, हम यहाँ घर से आ जाएंगे। मैं विश्वा पापा। ओके ओके बाय, तो मिलते हैं सैरी में। वीडियो बना रहे थे, रोहित बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं। उनकी कॉल आई है तड़कती भड़कती हुई, तो अभी हम नीचे जा रहे हैं, देखते हैं रोहित। कहाँ जा रही हो? नानो बाजी घर नहीं जा रही हो? क्यों? जंपिंग जाना है। हम लोग तो नानो बाजी के घर जा रहे हैं। यस। दो कपड़े डाल देना। लगता है लाइट नहीं है, लिफ्ट नहीं चल रही, चढ़ के जाना पड़ेगा। चलो चलो, पापा चले गए हैं, चलो सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा। गुड। बुरहान अपनी नींद करके उठ चुके हैं और ये हमारे साथ अभी बाहर जाएंगे। जुरैन को हम नहीं लेके जाएंगे क्योंकि जुरैन बाहर जाके बहुत तंग करती है, इधर उधर भागती है रोड पर। तो इस वक्त मैं रेडी हो चुकी हूँ पर फैमिली वाले रेडी हो रहे हैं, तो देखते हैं रेडी हुए कि नहीं। बुरहान साहब को बहुत पसंद है इस तरह से पुशर से पानी पीना। हर वक्त जो है ना वो पुशर की नॉट ही ख़राब करते थे।
मैं वारंटी कार्ड दूंगी। चलो सही काम इधर देखो ना लग गए। तो 3 बज गए हैं और 3 बजे हमने वैसे निकलना था पर अभी तक लड़के ही नहीं आए हैं। हमें बोला कि आप लोग रेडी हो जाओ, हम लोग 3 बजे तक पहुंच जाएंगे, पर 3 बज चुके हैं लेकिन वो अभी तक पहुंचे नहीं है। तो चलो नीचे चल के देखते हैं। तो आपके हस्बैंड कॉल नहीं उठा रहे आपकी? हाँ लेट कर रहे हैं, उनको बोलो जल्दी जल्दी खाते हैं आप। हम लोग जल्दी जल्दी नहीं खाते, आराम आराम से खाते हैं। 3:30 बजने वाले हैं यहीं पर ही। तो ओ मेरे वाले आ गए, मेरे वाले तो आए लेते हैं। हम यहाँ पहुँच चुके हैं पर जगह पता नहीं कौन सी है, पता नहीं शायद गार्डन से थोड़ा आगे थी पर पक्का पता नहीं है मुझे कि कौन सी जगह है। कोई से भी मंगवा लें। तो हम यहाँ पहुँचे तो 3:30 बज रहे थे और अभी हमने ऑर्डर दे दिया है खाने का, लेकिन 4 बजने वाले हैं पर अभी तक खाना आया ही नहीं है। हमारा खाना कब आएगा और हम कब खाएंगे, ऐसा नहीं लेट हो जाए। अभी तक खाना ही नहीं आया, कब से इंतज़ार कर रहे हैं। लो जी 4 बज गए हैं और 4 बजे हमारा खाना आया है। पता चले यहाँ से भी आ जाए। मम्मा से पूछो क्या हुआ, बड़ी मम्मा डर गई कैटो से। हाँ ना बड़ी मम्मा डर गई कैटो से। बड़ी मम्मा से पूछो आप कैटो से डरती हो? बोला कैटो से डरती हो? यहाँ खा पी के हमने सब खाली कर दिया क्योंकि सहरी बंद करने का टाइम नज़दीक आने वाला है और इतनी जल्दी जो है ना वो भाभी चाय ठंडी कर रही हैं क्योंकि भाभी ठंडी चाय पीती हैं।
हम सब ने सहरी कर ली, खा पी लिया, पानी भी पी लिया, चाय भी पी ली। अब हम वेट कर रहे हैं अजान का, तो जैसी अजान हो जाएगी तो फिर हम घर के लिए निकलेंगे। जाओ चाची के आ गए हैं। सहरी कर ली हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और सब्सक्राइब तो मस्ट करना। तो मिलते हैं अब आप लोगों से। सबसे प्यारा बुरान आ रहा है, देखो बुरान तो है ही इतना प्यारा। सबसे प्यारे वो डब्बे आ रहे हैं। यही अपने डब्बे उठा के ना तुम दोनों नीचे लेके जाओ अपने घर में। चलो हमारे घर को आप लोगों ने स्टोर रूम बना दिए, चलें अब इफ्तारी करके अपने डब्बे नीचे ले जाना। तो चाहिए ये डब्बे तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखना, अपनी दुआओं में हमें याद रखना, और मेरे चैनल को लाइक कमेंट और शेयर तो लाजमी करना।